सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं साढ़े सारे दर्शकों का गूंजा सिख विरसे दियां साढ़े खास पेशकश दे विच। इस खास पेशकश दे विच दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बीते हफ्ते दे विच जिहड़े भी काम किए जाते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुँचाने। सो बीते हफ्ते दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब को समर्पित एक नगर कीर्तन कढ़िया गया। कितों इसकी आरंभता हुई तो कितने समाप्ति दसांगे इस खास पेशकश दे विच। शुरुआत करते हैं खास पेशकश की जिसका नाम गूंजा सिख विरसे दियां। सो फिर इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब को समर्पित एक नगर कीर्तन कढ़ाया गया जिसकी आरंभता दिल्ली के इतिहासिक गुरद्वारे गुरद्वारा शीशगंज साहब तो की गई तो इसकी समाप्ति दिल्ली के इतिहासिक गुरद्वारे गुरद्वारा नानक प्याऊ साहब विखे की गई। इस बार स्कूली बच्चों नू इस नगर कीर्तन का हिस्सा नहीं रखा गया। सो आओ फिर दिखाने तुहानू इस नगर कीर्तन दियां तस्वीरां। जहर पीर बिल्कुल। नगर कीर्तन की शुरुआत गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पालकी दे विच रख के इतने गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप में इतों तैयारी हो चुकी है। गुरद्वारा कमेटी के प्रधान जनरल सकत्र ते तमाम अहुदेदार साढ़े नाल ने। प्रधान साहब, इतों हुण नगर कीर्तन शुरू हो रहा है तो इतों नगर कीर्तन शुरू हो के कितों किहड़े रस्ते तो जाएगा तो संगतां का ठाठा मारदा कट आप उन्हां दा जोश दस रहे हैं। सब तो पहला तो मैं साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के इस आगमन पुरब दी समूह संगतां नूं लख लख वधाई दिंदा। और ये जड़ा लासानी नगर कीर्तन जड़ा है गुरद्वारा शीशगंज साहब तो शुरू होकर खारी बावली होंदा होया आज़ाद मार्केट रोशनार रोड प्रताप नगर और कमला मार्केट तो होंदा होया नानक प्याऊ साहब के समाप्ति रात ही होनी है। हर साल की तरह इतने लखां की तादाद संगत दे विच हाजरियां भरती है और घर जगह जगह के उत्ते गुरु महाराज के आगमन के उत्ते सत्कार वजो उन्होंने स्टॉल लाए होंदे है। असीं उन्हां दा भी धन्नवाद करदे हां सारिया संगतां दा क्योंकि दो साल के समय तो कोविड की महामारी करके नगर कीर्तन नहीं निकल पाए इस इलाके तो इस बारी संगतों नूं बहुत जोश भी है और गुरु प्रति जी श्रद्धा के नाल अज हज़ारा की तादाद भी संगत इतने पहुँच चुकी है। मैं सारिआं नूं गुरु महाराज के आगमन पुरब की फिर तो लख लख वधाई दिंदा। कालो साहब, दो साल नगर कीर्तन नहीं निकले तो लगता है कि उसका भी अज संगत खूब ज़्यादा ठाठा मारता जोश है कट है श्रद्धा है। बिल्कुल जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले दो साल तो संगत दे विच बहुत उत्साह सी लेकिन कोविड की वजह करके नगर कीर्तन जिथे पब्लिक गैदरिंग सारी बंद सी और हुण गुरु साहब ने कृपा की है इस साल नगर कीर्तन जिहड़ा बहुत ठाठा मारदा संगतां दा इकट्ठ है बहुत श्रद्धा भावना उत्साह दे नाल नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समूह संगत दे सहयोग दे नाल सारे योग प्रबंध किए गए आ और तुसी देख सकते हो संगत का किन्ना हजूम है किन्ना इकट्ठ है। सो इस गल की गवाही भरता है कि संगत दे विच किन्ना उत्साह है। गुरु नानक साहब की जो सर्वसांझी वालता का संदेश है इहदे विच सब धर्मां दे लोग सारी कायनात जिहड़ी इहदे विच शामिल हो रही है। सो सानू बहुत खुशी है इस गल की कि गुरु साहब ने कृपा की है नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है। सो वाहिगुरु कृपा करन इस तरह ही पंथ के झंडे जिहड़े आ झूलते रहन और पंथ चढ़ती कला दे विच जाए पंथ चढ़ती कला रहे। दिल्ली कमेटी के धर्म प्रचार के प्रधान साढ़े नाल ने जसप्रीत सिंह करमसर। करमसर साहब, तुहाडी अज जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि धर्म प्रचार का तुसी प्रधान हो नगर कीर्तन शुरू हो चुका है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों धर्म प्रचार कमेटी वालों अज उचेचे तौर पर नगर कीर्तन सजाए गए हैं जो कि हर साल पिछले लंबे समय तो सजाए जाते हैं। इस नगर कीर्तन की खुशी संगतों में अज इन्नी देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले दो साल आप मना नहीं सके कोविड के करके कोविड का आना रुकना ना संगतों के बड़ी व्याकुलता सी मगर गुरु नानक साहब का जो संदेश है उन्हों का सांझीवालता का उपदेश कुल दुनिया के वास्ते है तो कुल दुनिया की संगत अज सतगुरों नतमस्तक होने वास्ते इतने पहुँच रही ने।
जो गुरु नानक साहब का उपदेश है सांझी वालता का, गुरु नानक साहब ने सारिया वर्णा नूं एक करन दी गल कीती। उन्हां ने हिंदू तुर्क को राफजी इमाम साफी मानस की जात सब है एक है पहचान बो, कहु भयो मुंडिया सन्यासी, कहु जोगी भयो, कहु ब्रह्मचारी, कहु जति अनुमान बो। उन्होंने सारिया धर्मां नूं एक करन दी कोशिश कीती, उन्होंने सांझी वालता का उपदेश दिता। इस करके अज सारिया संगतां भावें हिंदू ने, जैनी ने, बोधी ने, पारसी ने, सारे अज गुरु नानक साहब नूं मनाउण वास्ते नगर कीर्तन भी शामिल हो रहे हैं। संगतां बड़ियां ठाठा मारदा इकट्ठ इत्थे नगर कीर्तन भी देखण नूं मिल रहा। किस तरीके का माहौल नज़र आउंदा है पिछले दो सालां, क्योंकि नगर कीर्तन निकल नहीं सके, नगर कीर्तन क्योंकि कोविड की महामारी करके, हुण किवें देखदे हो इसनूं? तुसीं आप एक बार कैमरा घुमा के वेखो कि संगतां किस तरह खुशी दे विच नगर कीर्तन विच शामिल होईयां ने, हाजर होईयां ने। संगतां ने नगर कीर्तन विच गुरुद्वारा सीसगंज साहब तो नानक प्यो साहब तक पैदल जाना तुर के सतगुरां नूं शरदा दे शरदा भेट करन वास्ते। सो मैं सारिया संगतां नूं बेनती करदा कि नगर कीर्तन विच आपो अपने घरां चो निकल के आओ, जिहड़े लाइव देख रहे ने, ताकि आपां इस नगर कीर्तन का हिस्सा बन सकीए, गुरु नानक साहब का उपदेश आपां कुल दुनिया नूं दे सकीए कि गुरु नानक साहब सानूं असल विच कहना की चाह रहे सी। एक मैं तुहाडे चैनल के माध्यम तो उपदेश गुरु नानक साहब का साझा करा, जिहड़े भी दुनिया के कनफ्लिक्ट ने, भावें वह पोलीटिकल है, भावें रिलीजियस है, भावें पोलीटिकल ने, भावें रिलीजियस ने, अगर उन्होंने सारियां नूं कटाक्षां नूं खत्म करना तो सानू गुरु नानक साहब के उपदेश से चलना पवेगा। जे विश्व शांति की गल करनी है तो केवल सानू गुरु नानक साहब के उपदेशों से चलना पवेगा। एक बार उन्होंने उपदेशों मन के वेखो, उसते चल के वेखो, तुहानू अपने आप तुहानू अंदर शांति मिलेगी। जिहड़ी जलन, जिहड़ी जैलस, जिहड़ी ईरखा संसार दे विच उस वेले चल रही सी, उसनू खत्म करने वास्ते गुरु नानक साहब ने अवतार तारिया। आप नारायण कला तार जग मैं परवरियो, उस वेले उस अकाल पुरख वाहिगुरु आप आया सी गुरु नानक साहब दे रूप दे विच, सानू इसे करके कल तारण गुरु नानक आया, भया आनंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया। अज तुसी आनंद वेख रहे हो, सारी संगत किन्ने चाह दे विच है, उत्साह दे विच है, धक्का पै रहा कि असी चलो गुरु नानक साहब नूं पहला, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं पहला आपां नतमस्तक हो जाइए। ये गुरु नानक साहब दे दित्ते सानू सिद्धांत ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ, ਜਾਹਰ
ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਏ ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ब्रेक तो बाद आप सारे दर्शकों का स्वागत है। रॉयल मिलिट्री यूके का एक वफद दिल्ली के इतिहासिक गुरुद्वारे गुरुद्वारा बंगला साहब विखे नतमस्तक होया। इस मौके दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस वफद का स्वागत किया गया। I'm Major General Celia Harvey and I'm the UK Defence Sikh Champion, and we're here today at this wonderful Gurdwara having a look at the medical facilities that are provided by SAVOR through charity work to help those who need medical care. I have looked around in many of the rooms and met many of the staff, all of whom are friendly and helpful, and the equipment here is first class. It is better than I have seen in many hospitals. I am absolutely amazed and delighted to see the standard of care that is provided to those in need in Delhi. We have also taken the opportunity to launch a UK Defence Nitnam Gutka for our soldiers, and so our Sikh soldiers can go into the field on exercise or into battle carrying their Gutka with them and be able to practice their faith in the most difficult of circumstances. Gunja Sikh Virse diyan sade khaas peshkash isse tarah jari rahegi, filhal rukde hain ek break de layi. Royal Military UK da ek wafad jehda Bangla Sahib vikhe natmastak hoya siga, us to baad eh wafad Delhi de itihasik gurdwara Gurdwara Nakabganj Sahib vi natmastak hoya. Is dauran दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने इस वफद का सरूपा पा के सम्मान भी किया। बहुत ही खुशी की गल और बड़ी माण की गल है कि साडे विच ब्रिटिश आर्मी दे डिफेंस सिख नैटवर्क दे चैंपियन उन्हां दी मेजर जनरल सीलिया हार्वे जी अपने 10 साथियों के नाल गुरु घर दे विच नतमस्तक होन आए और ये उस अकैडमी नूं बिलोंग करदे है जिहदा बहुत वड्डा माण सिखां दे इतिहास दे विच है कि जिस अकैडमी तो वो 21 नौजवान वीर जिन्होंने सारा गढ़ी की जंग नूं इंजाम ते पहुँचाया इन्हां दे उन्हां दे जिहड़े कमांडर सी उसी रेजिमेंट तो उसी बटालियन तो ये जिहड़ी टीम इत्थे पहुँची है जिहदे विच साढ़े नौजवान सिख वीर भी अज भी ब्रिटिश की फौजां दे विच हैगे है ये बहुत वड्डी माण दी गल है और अज इस गल तो साफ पता चलता है कि किस तरीके दे नाल सिखा दी बहादरी दे जिहड़े किस्से ने सिखा दी बहादरी नूं वर्ल्ड वाइड जिथे एक्नोलेज किया जाता उन्हां सिपाहियां नूं उन्हां योद्धियां नूं उन्हां सूरवीरां नूं पूरी दुनिया किस तरीके दे नाल याद करती है और उन्हां नूं माण बख्शती है। ये बहुत वड्डा इतिहास और इन्हों लैके जेडे नाल सारागढ़ी फाउंडेशन दे जेडे प्रधान साहब ने सरदार गुरजिंदर पाल सिंह जी जोशन जी मैं उन्हों का भी धन्यवाद करता उन्होंने नाल उन्होंने सहयोगी बाबा नवीन जी नाल सिमर सिंह जी जेडे उन्होंने फाउंडेशन के मैंबर ने इन्हें जिस तरीके दे नाल सारागढ़ी के इतिहास में इन्होंने सुरजीत कर रहे हैं उदे इतिहास के नाल हर एक जोड़न की कोशिश कर रहे हैं। अज उसी दे सिलसिला यह टीम अज गुरद्वारा बंगला साहब नतमस्तक होन आई और दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के माण सत्कार किया जा रहा है
ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯੋਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਯ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਹੈ ਮੀਂਹ ਚੱਕੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨੋਨ ਟੇਰੇਬਲ ਔਰ ਵਾਟਰਪਰੂਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਮਗਰ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਵੀਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਸਾਰਾਗੜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਹੋਏ ਯੂਰਪ ਹੋਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੋਏ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 21 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 21 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਿੰਜੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਨੇ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਗ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਗੁੰਜਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਧੰਨਵਾਦ